रहा है जयपुर में। हमारी क्राइम टीम फरुखनगर को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति लगातार शराब यहाँ से और बिहार सप्लाई करता है और वो यहाँ से फरुखनगर के केएमपी के पास से यहाँ से गुजरता है, जिस पे उन्होंने इन्फॉर्मेशन के आधार पर एक करेटा गाड़ी को रोक के चेक किया और उसमें चेक करने पे इंग्लिश शराब की 60 पेटियां बरामद हुई, जिसमें ललित एलियास लोकेश है ये उस आदमी की ये शराब थी और उसको साथ ही वहाँ साथ मिला तो उसको रोक के पूछताछ की गई, तो उसके बारे में कोई भी सही कोई लाइसेंस या जानकारी नहीं दे पाया, तो इसलिए हमने उसको गिरफ्तार करके और उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उससे पूछताछ की गई। पूछताछ में ये भी पता चला कि ये जो ललित लड़का है पहले भी यहाँ से बिहार शराब सप्लाई में शामिल रहा है और वहाँ 5 महीने से जेल में था इसी मामले में, और अब बाहर आया है तो आते ही इसने फिर ये काम शुरू कर दिया। हम इसमें और भी जहाँ जहाँ से इसका संबंध है उन सारी जानकारियाँ जुटा के सबके खिलाफ कार्रवाई करें। आरोपी कौन है, कहाँ का रहने वाला है? ये आरोपी मैंने बताया कि इसका नाम ललित उर्फ लोकेश है और ये बिहार का रहने वाला है। कोई गैंग ऑपरेट कर रहा है सर इसको या फिर यहाँ के लोग इन्वॉल्व हैं सर? नहीं, गैंग नहीं, ये खुद ही इस तस्करी में शामिल है और इससे पूरी जानकारी लेके और भी लोग जो इसके साथ शामिल रहे होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कितने समय से कर रहा था सर ये सप्लाई? ये पहले जैसे मैंने बताया अभी 5 महीने बिहार जेल में था और वहां से अभी आया है ये आके फिर ये इस शराब के धंधे में शामिल। जो गाड़ी बरामद की गई है वो इसकी है सर या फिर किस तरह? इस सारी इन्वेस्टिगेशन इस सारे एंगल पे की जा रही है और उसमें जो भी संबंधित व्यक्ति जिम्मेवार होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सर इतनी स्टेट बोर्डर किस तरह से क्रॉस कर सकता है, किस तरह की प्लानिंग होती थी? अगर कोई पुलिस वाला रास्ते में मिले तो किस तरह से नकली बिल बना कर देना? नहीं, ये पुलिस को वहां से बचने के लिए कोशिश करते हैं कि भाई जहां पे भी अगर पुलिस दिखाई देगी तो उसको पहले से ही माफ के उसको अवॉइड करते हैं, इस तरह की इनकी रणनीति रहती है।